हेलो गाइस, कैसे हो यार आप सब। आज मैं आपके Me3 के अंदर आपको इवोल्यूशन एक्स रोम का जो लेटेस्ट रोम है उसको हम यहाँ पर फ्लैश करके दिखाने वाले हैं। गाइस, ये जो इवोल्यूशन एक्स रोम है यार, इसके अंदर आपको जो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा वो टॉप ऑफ द नॉच आपको देखने को मिलता है। यानी कि आपको इसके अंदर परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग कोई भी इश्यूज देखने को नहीं मिलेंगे। और गाइस, बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉयड आपको यहां पर देखने को मिलता है, लेकिन इसके अंदर आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन देखने को मिलते हैं स्टेटस बार के अंदर, नेविगेशन बार के अंदर। तो गाइज, आपको यहाँ पर जो कस्टमाइजेशन है वो बहुत तरह के दिए गए हैं। यहाँ पर आपको काफी तरह के फिंगरप्रिंट आइकन्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका जो इंस्टॉलेशन है उसे चालू करने से पहले लेट्स इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है अमन धीमान, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल योर फैमिलियर सपोर्ट। गाइज, ऐसी इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोज हमेशा हमारे चैनल पर आती रहेंगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक कर दो। बाजू में लगे बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दो, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो गाइस, किस बात की देरी, लेट्स बिगिन। दोस्तों, जब भी आप अपने डिवाइस के अंदर किसी भी कस्टम रोम को इंस्टॉल करने के लिए जाते हैं, उसके लिए आपके फोन के अंदर जो कस्टम रिकवरी है वो आपके फोन के अंदर आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, जिसका मेथड मैंने ऑलरेडी बनाया है। आपको Me3 के अंदर शार्प रिकवरी को यहां पर इंस्टॉल करना पड़ेगा किसी भी कस्टम रोम को इंस्टॉल करने के लिए। तो दोस्तों, कस्टम रिकवरी कैसे इंस्टॉल करना है उसका वीडियो आपको मिल जाएगा आई सेक्शन कार्ड वाले वीडियो में। जरूर से आप जाकर उस वीडियो को वॉच कीजिए, तभी आप यहां पर अपने फोन के अंदर किसी भी कस्टम रोम को यहां पर फ्लैश कर सकते हो, और इसके थ्रू आप यहां पर किसी भी कस्टम कर्नल्स को इंस्टॉल कर सकते हो। गाइज, यहां पर ये जो इवोल्यूशन एक्स रोम है ये दो वेंडर पर अवेलेबल है, एक है स्टॉक वेंडर और दूसरा है यहां पर OSS वेंडर। दोनों में स्लाइटली डिफरेंसेस हैं। यहां पर अगर मैं आपसे बात करता हूं स्टॉक वेंडर की, तो उसके अंदर आपको जो FOD स्क्रीन है यानी कि फिंगरप्रिंट ऑन डिस्प्ले वाला जो स्पीड है वो काफी अमेजिंग है, यानी कि बहुत जल्दी यहां पर आपका डिवाइस जो है अनलॉक हो जाता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर OSS वेंडर पर, जो आपको इवोल्यूशन एक्स रोम देखने को मिलता है 4.6 वर्जन, उसके अंदर आपको क्या डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, उसका जो परफॉर्मेंस है इससे स्लाइटली बेटर देखने को मिल जाएगा स्टॉक वेंडर के मुकाबले यहाँ पर। लेकिन गाइस, जो उसका FOD स्क्रीन है वो इतने अच्छे से वर्क नहीं करता जितने अच्छे से स्टॉक वेंडर यहाँ पर वर्क करता है। स्लाइटली डिफरेंसेस हैं, ज़्यादा आपको यहाँ पर चेंजेस यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन गाइस, अभी OSS वेंडर पर जो इवोल्यूशन एक्स रोम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है उसके अंदर आपको कई सारे बग्स देखने को मिल जाएंगे, इसलिए डेवलपर का यहाँ पर कहना है कि आप OSS वेंडर को फ्लैश तो कर सकते हैं, आप एज अ डेली ड्राइवर आप यहाँ पर इवोल्यूशन एक्स रोम OSS वेंडर पर जो बेस्ड है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन गाइज, यहाँ पर आपको थोड़े से सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, कभी कभी आपका यहाँ पर नॉट रिस्पॉन्डिंग किसी भी चीज़ में आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइज, जो इसका स्टेबल वर्जन है वो है यहाँ पर स्टॉक वेंडर पर, जो आपको इवोल्यूशन एक्स रोम 4.6 आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, देखते हैं इसको यार कैसे यहाँ पर अपने डिवाइस के अंदर इंस्टॉल करना है। आई होप गाइज, आपको हमारे वीडियोज अगर अच्छे लगते हैं तो आप यहाँ पर लाइक जरूर से ड्रॉप कर देंगे, और अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे नहीं लगते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे नहीं लगते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर से हमें बता दीजिए क्या आपको हमारे वीडियोस के अंदर अच्छा नहीं लगता है, तभी हम आपके लिए यहाँ पर अपने कंटेंट को बेहतर बना पाएंगे। तो गाइज, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे यहाँ पर आपको इस इवोल्यूशन एक्स रोम को अपने डिवाइस के अंदर फ्लैश करना है। लेट्स बिगिन। हेलो गाइज, कैसे हो यार आप सब। अभी मैं अपने Me3 के अंदर यूज कर रहा हूँ MIUI 12। अगर आपने अभी तक अपने Me3 डिवाइस के अंदर MIUI 12 को इंस्टॉल नहीं किया है तो इसका वीडियो आपको मिल जाएगा आई सेक्शन कार्ड वाले वीडियो में, जरूर से आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। तो गाइज, यहाँ पर हम जाने वाले हैं MIUI 12 से इवोल्यूशन एक्स रोम पर। तो गाइज, यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने फ़ोन का जो है पावर ऑफ करना रहेगा, आपको अपने फ़ोन का पावर ऑफ कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर वॉल्यूम अप बटन को पहले प्रेस करना है एंड यहाँ पर होल्ड कर लेना है, एंड देन आपको यहाँ पर पावर की को भी प्रेस एंड होल्ड करके रख लेना है। गाइज, यहाँ पर आप इसको तब तक होल्ड कर रखेंगे जब तक आपको यहाँ पर एंड्रॉयड 1 का लोगो देखने को नहीं मिलेगा। जैसे ही एंड्रॉयड 1 का लोगो देखने को मिले पावर की को छोड़ देना है एंड की प्रेसिंग वॉल्यूम अप बटन, आप यहाँ पर शार्प रिकवरी के अंदर बूट हो जाएंगे। गाइज, कस्टम रिकवरी ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, और आपको भी यहाँ पर पहले कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल करना होता है, इसका वीडियो का लिंक आपको आई सेक्शन कार्ड वाले वीडियो में मिल जाएगा। उसके बाद गाइज, यहाँ पर माउंट के ऑप्शन में जाकर आपने सभी ऑप्शंस को टिक कर लेना है, और अगर आप अपने करंट रोम का यहाँ पर बैकअप लेना चाहते हैं तो आप बैकअप में जाकर
सिंपल ये सारे ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर बैकअप कर लेंगे। गाइज यहाँ पर मैं जाऊँगा सबसे पहले वाइप के अंदर, वाइप में मैं जाऊँगा एडवांस वाइप में, यहाँ से मैं डेलविक सिस्टम डेटा इंटरनल स्टोरेज छोड़ दूंगा और विंडर यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और कन्फर्म वाइप कर दूंगा। तो गाइज यहाँ से मेरा जो ओएस है वो यहाँ से पूरी तरह क्लियर हो चुका है। अब मैं अपने फ्लैश वाले ऑप्शन पर जाऊंगा इंटरनल स्टोरेज में, जहाँ पर मैंने इवोल्यूशन एक्स रोम को रखा है, इस पर क्लिक करूंगा और नीचे वाले ऑप्शन पर यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, उसके बाद कन्फर्म फ्लैश पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर जो मेरा रोम है ये दो पार्ट में यहाँ पर जो है इंस्टॉल होगा। गाइज यहाँ पर देखने वाली बात यह है, मैंने अपने फ़ोन को 100% पर रखा है, आपको भी 60% से अबव होना चाहिए तभी आप इसको ट्राई कीजिएगा, अदरवाइज आप पहले अपने फ़ोन को चार्ज कीजिए उसके बाद आप यहाँ पर किसी भी रोम को फ्लैश कीजिए। तो गाइज यहाँ पर आपको कुछ 2 से 3 मिनट आपको देखने में लगेगा, आपका जो प्रोसेस है थोड़ा सा लंबा आपको यहाँ पर देखने में लगेगा। तो गाइज मैं थोड़ा आपको स्किप करके दिखा रहा हूँ ताकि आपका जो वीडियो है वो आपको यहाँ पर बोरिंग ना लगने लगे। तो गाइज यहाँ पर जो मेरा रोम है फ्लैश हो चुका है, यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद अगेन आपको फ्लैश में जाना है, नीचे आपको यहाँ पर शार्प रिकवरी इंस्टॉलर जिप फाइल को आपने यहाँ पर अगेन फ्लैश कर देना है, इससे आपका जो यहाँ पर परमानेंट रिकवरी है वो आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा, जिससे आपको दोबारा से रिकवरी मोड में जाने के लिए कंप्यूटर का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको दोबारा से यहाँ पर रिकवरी को फ्लैश नहीं करना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पर जो मेरा रिकवरी है वो भी यहाँ पर ऑलमोस्ट फ्लैश हो चुका है। तो गाइज यहाँ पर हमारा रिकवरी जो है फ्लैश हो चुका है, अब हमें वापस से जाना होगा यहाँ पर वाइप के अंदर और यहाँ पर आपको फॉर्मेट डेटा पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने टाइप करना है YES और यहाँ पर आपने नीचे जो एंटर वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है, आपका यहाँ से जो इंटरनल स्टोरेज है वो पूरा क्लीन हो जाएगा। गाइज यहाँ से आपको फॉर्मेट डेटा करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप अपने फ़ोन को बूट नहीं कर पाओगे, जिस तरह से आपने देखा था यहाँ पर हमारे इवोल्यूशन एक्स के फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में। तो गाइज अब आपने यहाँ पर अपने डिवाइस को रिबूट कर देना है, रिबूट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल जाएगा हमारा इवोल्यूशन एक्स रोम का जो बूट एनिमेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरह से आपका जो फ़ोन है यहाँ पर इवोल्यूशन एक्स रोम में बूट हो जाएगा। गाइज यहाँ पर आपको 2 से 3 मिनट और वेट करना होगा इसके बूट होने का और आप यहाँ पर फिर अपने फ़ोन के अंदर जैसे आपको स्टॉक एंड्रॉयड में सेटअप देखने को मिलता है कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर सेटअप देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह से आप यहाँ पर अपने डिवाइस का सेटअप कर पाएंगे और गाइज आप यहाँ पर बूट कर जाएंगे अपने इवोल्यूशन एक्स रोम पर। यहाँ पर आपको लैंग्वेजेस को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पर आपको सिम कार्ड प्रेफरेंस और डेटा प्रेफरेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको चूज़ करने का ऑप्शन मिल गया, उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट करते जाना है, स्किप कर देंगे, स्किप दिस स्टेप कर देंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर लोडिंग होगा और काफ़ी जल्दी यार स्टॉक एंड्रॉयड का जो यहाँ पर सेटअप है वो काफ़ी जल्दी फिनिश हो जाता है, तो आपको यहाँ पर कोई इश्यूज देखने को नहीं मिलेंगे, आपको नेक्स्ट करते जाना है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपने डिवाइस के अंदर इवोल्यूशन एक्स रोम पर अपने Mi A3 को बूट कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। और गाइज यहाँ पर जो प्लस पॉइंट है वो है इसका OTA अपडेट, यहाँ पर आपको OTA अपडेट्स रिसीव होते हैं। दोस्तों कुछ इस तरह से आप भी अपने डिवाइस के अंदर इवोल्यूशन एक्स रोम को यहाँ पर फ्लैश कर सकते हो, सिंपल मेथड है, आपको सिर्फ शार्प रिकवरी के अंदर अपने डिवाइस को बूट करना है, आपको अपने फोन के अंदर इवोल्यूशन एक्स रोम का जो लेटेस्ट अपडेट है 4.6 वर्जन स्टॉक वेंडर पर जो आपका बिल्ड है यहाँ पर आपने उसको इंटरनल स्टोरेज में रख लेना है, साथ में आपको शार्प रिकवरी इंस्टॉलर जिप फाइल को भी अपने डिवाइस के इंटरनल स्टोरेज में रख लेना है और जाकर डायरेक्ट आपने फ्लैश कर देना है, वन बाय वन आप यहाँ पर दोनों को फ्लैश कर दीजिए, उसके बाद आपने फॉर्मेट डेटा पर YES टाइप करना है और फॉर्मेट डेटा कर देना है, उसके बाद आपका जो डिवाइस है यहाँ पर फॉर्मेट हो जाएगा एंड देन आपको सिर्फ रिबूट कर देना है, यही है इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस। दोस्तों जो इसका रिव्यू वीडियो है वो भी यार जल्दी आने वाला है, तो रिव्यू वीडियो के लिए वेट जरूर से कीजिएगा, क्या आपको इसके अंदर नया देखने को मिलता है, कैसा यार इसका परफॉर्मेंस है, सभी कुछ ओवरऑल मैं आपको उस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोस आप यहां पर मिस ना कर पाओ। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम व्हाट्सएप जहां पर भी आपके अकाउंट्स हैं यार सभी जगह हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो गाइज मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद वंदे मातरम, यू गाइज हैव अ ग्रेट डे।